हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हम लोगों ने लंब विधा का बेलन का क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिया था। आज का वीडियो का शुरुआत क्वेश्चन नंबर 14 के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? ठीक, देखिए मैंने हर बार बोला है, अभी भी बोलूँगा, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ही होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है। बस फर्क इतना है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ज़रूरत है क्वेश्चन पढ़ने की, वो भी बारीकी से, पूरे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक दोनों मुँह खुले लोहे के लंब वृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर है। देखिए सबसे पहले तो इमेजिनेशन करना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन पढ़ के उसका एक इमेजिनेशन कर पाओ, ये बात आपको आना चाहिए। तो देखिए जैसे कि मैंने पढ़ा, यहाँ पे खोखला बेलन है जिसका दोनों मुंह खुला हुआ है। तो मैं एक बेलन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए, एक खोखला बेलन ड्रॉ करना आप लोग को आना चाहिए। बस हो गया ड्रॉ, इतना सही करना है। इसमें बीच में छोटा सा गोला बना दो, ये एक बना दिया हम लोगों ने खोखला बेलन। इसका और क्या दिया हुआ है? जिसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर लिख दिया हम लोगों ने। ऊंचाई को अलग कलर से लिखते हैं, 2.8 मीटर। आगे बढ़ा जाए, देखिए क्या दिया और, बेलन का आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास मतलब अंदर का व्यास, जो खोखला बेलन है उसके अंदर में कुछ व्यास होगा एक, तो यानी कि ये वाला चीज़ ये हम लोग का खुले हुए आंतरिक व्यास है, कितना है? 4.6 डेसीमीटर लिख दीजिए, 4.6 डेसीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है मीटर में और व्यास दिया हुआ है डेसीमीटर में। इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, डायरेक्ट वैल्यू जो जो उसमें पुट मत कर दीजिएगा, ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में, इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे एवं बेलन का, बेलन में 84.48 घन डेसीमीटर लोहा लगा है। इसका क्या मतलब है 84.48 घन डेसीमीटर लोहा लगा है? मतलब ये है कि इस बेलन को तैयार करने में कुछ तो लोहा लगा होगा ना। मैं बेलन का आयतन नहीं पूछ रहा हूँ, बेलन को तैयार करने में लगे हुए लोहे का आयतन पूछ रहा हूँ। तो बेलन को तैयार करने में कितना लोहा लगा है? बेलन को तैयार करने में लोहा लगा है 84.48 घन डेसीमीटर। ठीक, 84.48 घन डेसीमीटर हमारा लोहा लगा है। तो ठीक है, लोहा लगा इतना लगा है, तो फिर पूछ क्या रहा है? तो बेलन का बाहरी व्यास कितना है? ओह अच्छा, आंतरिक व्यास दिया हुआ है, बाहरी व्यास पूछ लिया हमसे, ये बाहर का व्यास कितना है। ठीक है, व्यास पूछा है, हम लोग निकाल लेंगे अर्धव्यास, क्योंकि हम लोगों को जो रिलेशन पता है अर्धव्यास के टर्म में पता है। ठीक है, कोई नहीं, अर्धव्यास निकल जाएगा तो उसका दोगुना करते व्यास भी निकल आएगा। तो बस सब कुछ तो पता ही है, और पदार्थ का आयतन निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है आप लोगों को, उम्मीद है याद भी होगा आप लोगों को। अगर याद नहीं है तो भाबू याद कर लो। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, चलो सॉल्यूशन क्या है। चलो पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा जो जो दिया हुआ है, जैसे कि बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई जिसको हम एच बोलते हैं, जो कितना है 2.8 मीटर। अच्छा देखिए, जो आयतन दिया हुआ है वो घन डेसीमीटर में, और लास्ट में मेरे को सब आयतन से ही काम है। तो ऐसा करो, सब कुछ को डेसीमीटर में ही निकालो, ताकि आयतन जो है आपका वो घन डेसीमीटर में आए। इसीलिए हम लोग का जो आंतरिक व्यास है वो तो डेसीमीटर में पहले से है, बस जो ऊंचाई है वो मीटर में दिया, मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करें कन्वर्ट नहीं पता, नहीं आता तो मैंने एक टेबल यहाँ लिखवाया था, याद होना चाहिए वो टेबल सभी कोई को, उसको यूनिट कन्वर्जन टेबल बोलते हैं। जो लोग नए नए इस चैनल पर आए हैं उन लोगों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, याद होना चाहिए आपको ये वाला यूनिट कन्वर्जन का टेबल, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, ये DAM लिखा हूँ, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। जब हम लोग टेबल में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम लोग करते हैं डिवाइड। कितना से जितना स्टेप ऊपर जाएंगे या फिर जितना स्टेप नीचे आएंगे, एक के ऊपर उतना जीरो बैठा करके मल्टीप्लाई करने वक्त मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करने वक्त डिवाइड करेंगे। इस केस में हम लोगों को मीटर से डेसीमीटर जाना है,
मीटर से डेसी मीटर में सिर्फ एक स्टेप ऊपर जा रहा है, इसलिए एक के ऊपर एक जीरो, एक के ऊपर एक जीरो दस होता है। तो यानी कि मीटर को डेसी मीटर में कन्वर्ट करने दस से ऊपर जा रहा है, इसलिए इंटू करना पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ये बच्चों में हम लोग सीखते हैं बचपन में, तो पता होगा आप लोग को। जिनको नहीं पता है अभी पता कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2.8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, आ गया डेसीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका 28 डेसीमीटर आएगा, यू कैन चेक इट, है ना। हम लोगों का ऊंचाई आ गया डेसीमीटर में। आंतरिक व्यास दिया हुआ है बेलन का, आंतरिक व्यास कितना है 4.6 डेसीमीटर। व्यास से क्या काम, अर्धव्यास चाहिए, निकालो अर्धव्यास। इसलिए बेलन का आंतरिक अर्धव्यास, अच्छा आंतरिक अर्धव्यास को अंदर वाले को R2 बोला करते थे, याद होगा आप लोगों को। अंदर वाला अर्धव्यास को R2 बोलते हैं, बाहर वाले अर्धव्यास को R1, ठीक है। चलो तो R2 कितना, अर्धव्यास अर्धव्यास निकालना है, व्यास का आधा करो, आधा करने के लिए डिवाइडेड बाई टू, बोलो हाँ कि ना। सर वीडियो में उधर बैठे हम कैसे हाँ ना बोलेंगे, बोलेंगे भी तो सुनेंगे कैसे आप, सर ये कैसे सोच रहे हो क्या, बोलो ना मन ही मन हम सुन लेंगे। 2 × 4 2 × 3 = 6 देखो कट गया ना, कितना आया हम लोगों का 2.3 डेसीमीटर। चलिए हम लोग का आंतरिक अर्धव्यास जब निकल गया, अब बाहरी अर्धव्यास चाहिए अपने को, नहीं पता है मान लो, माना बाहरी अर्धव्यास पूछा, व्यास है हम लोग अर्धव्यास निकाल के बना रहे हैं, अर्धव्यास पता चलेगा तो व्यास भी निकाल देंगे। माना बाहरी अर्धव्यास आर वन बोल देते हैं, आर वन डेसीमीटर, ठीक है। हम लोगों ने बाहरी अर्धव्यास को आर वन मान लिया और यूनिट हम लोग का डेसीमीटर है। तो बस फॉर्मूला से पदार्थ के आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या था, मेन कॉन्सेप्ट था, हम लोग पहले पूरा आयतन निकालते थे, पूरे बाहर तक के बड़े वाले बेलन का आयतन, फिर अंदर का सिर्फ खोखला वाला जो पार्ट है उस छोटे वाले बेलन का आयतन, फिर पूरे बड़े वाले बेलन के आयतन में से सिर्फ छोटे वाले आयतन को माइनस करते थे तो आता था पूरे सिर्फ और सिर्फ पदार्थ का आयतन, जिससे मिलकर वो पदार्थ उस खोखले बेलन को बनाया गया है, हाँ कि ना। और इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोगों का क्या आया था, पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच, यही आया था ना। तो मैं लिखूंगा उसके पहले ये लिख करके ही बोल दूँ, क्या है, बेलन को बढ़ाने में लगा लोहा, चूंकि बेलन तैयार करने में लगा लोहा कितना है 84.48 घन डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब घन डेसीमीटर ही होता है। और बेलन तैयार करने में लगा लोहा का आयतन क्या होता है, यानी कि वही पदार्थ का आयतन। इसलिए बस वो फॉर्मूला पुट करो और फॉर्मूला को उससे बराबर दिखा दो, क्या होता है, पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच, जिसमें पाई हमारा कांस्टेंट है 22/7, आर वन हमारा बाहरी अर्धव्यास, आर टू हमारा आंतरिक अर्धव्यास, एच हमारा बेलन की ऊंचाई, है ना, जो किसके बराबर हो गया 84.48। देखिए कि क्वेश्चन बन गया, बस मैं जो जो वैल्यू गिवेन है पुट करो, सॉल्व करो और वैल्यू निकालो अपना जो हमको चाहिए, बस वही करेंगे। इसको अलग मार्कर से करते हैं, मतलब चौक, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर वन का वैल्यू नहीं पता रहने दो, माइनस आर टू का वैल्यू पता है अपने को 2.3, तो 2.3 का स्क्वायर हो जाएगा जला इंटू एच, कितना है एच ऊंचाई है 28 डेसीमीटर, इक्वल टू ये वाला 84.48, दिख रहा है आप लोगों को बिल्कुल, अच्छा काट लीजिए 7 × 7 = 28 इंटू में, ऊपर नीचे काट सकते हैं और इंटू भी कर दिए, 4 और 22 को इंटू कर दिए कितना जाएगा 22 × 4 = 88 इंटू आर वन का स्क्वायर, तो वो आर वन स्क्वायर ही जाएगा माइनस 2.3 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या याद है आप लोगों को, नहीं याद है तब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मुझे याद है मैं पुट कर रहा हूँ 5.20 नहीं होता है, हाँ सही ना, हाँ सही बिल्कुल, 23 का स्क्वायर 529 होता है और एक डिजिट का यही होगा बिल्कुल।
आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो 2.3 × 2.3, इट्स योर वर्क, कर लो, इक्वल टू 84.48। ठीक है, तो अब क्या करना है, चलो सॉल्व करना है, R1 का वैल्यू निकालना है, एक एक करके सबको मैं उधर भेजा हूँ, तो ये इनटू में उधर डिवाइड में, तो R1 स्क्वायर माइनस 5.29 इज इक्वल टू 84.48 बाई में आ गया 88। हाँ, डेसिमल कहीं ना कहीं तकलीफ तो दे ही रहा है, हटा दे क्या? वैसे मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूँ, चलिए आप लोगों के लिए हटा ही दे रहा हूँ, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के लिए 1, 2 digit, 2 0 है ना, कट कीजिए तो कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, देखिए 8 से कट रहा है, 8 से 11 में कट गया, 8 से ये कटेगा, 8 × 1 = 8, 4 नहीं कट रहा है, दूसरा 4 लेना पड़ेगा, दूसरा डिजिट लेने के लिए 0 देना पड़ता है, 44 बना, 8 × 5 = 40, फिर 4 बचा, 8 × 48, अब 11 से 11 = 11, 11 से ये कटेगा, 11 × 9 = 99, देखिए 105 से 99 खत्म हो गया, 6 बचेगा, 6 और 6 मिलकर बन गया 66, 11 × 6 = 66, फाइनली आया कि आपका 96/100। हाँ, इसको और मैं नहीं काट रहा हूँ, कटेगा बेशक, 96/100 पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये इतना आया। अच्छा, अपने को R1 चाहिए ना, तो इस 5.29 को भी उधर भेजना पड़ेगा। हाँ, इसको भी बदल दिया जाए क्या, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल देंगे तो फिर ईजी होगा सॉल्व करना। ठीक, इसके बाद का देखिए, यहाँ पे प्रोसेस आप लोग को दिख ही रहा होगा, यहाँ तक देखिए R1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, देखिए 96/100 यहाँ बचा, डेसिमल हटा दो, 100, ये देखिए 529/100 है, हुआ क्या, 96/100 ये वाला मैंने इक्वल टू को सब बैठाया, माइनस वाला उधर जाके क्या बन गया, प्लस वाला 529/100, प्लस करो कितना आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है प्लस करने पर, R1 स्क्वायर इक्वल टू LCM हमारा 100 ही होगा, 96 + 529 प्लस इसको प्लस करो कितना आ रहा है, 9 × 6 = 15 5 = 1 2 × 9 = 11 1 = 12 2 = 5 = 625/100 हुआ, आ गया। ठीक है, R1 स्क्वायर, इसके बाद देखिए इसके R1 स्क्वायर क्या है, R1 स्क्वायर इक्वल टू 625/100, इसके बाद का यहाँ देखिए, ठीक है, उसके बाद मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, इतना मैं कर दूँगा उसको, क्या आ रहा है हम लोगों का, R1 स्क्वायर इक्वल टू 625/100, आप लोग को पता है ना स्क्वायर को इक्वल टू उससे भेजा स्क्वायर रूट चढ़ाता है, तो R1 इक्वल टू रूट अंडर 625/100, बाहर 625 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो ये निकला 25, ये निकला 10। अच्छा, यहाँ पर रूट जब भी निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है ना, तो बट R1 एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि लंबाई किसी भी चीज़ की ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वाला यानी कि प्लस वाला कंसीडर कर ले रहे हैं। तो साफ सुथरा शब्दों में क्या आया हम लोगों का, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू, अच्छा 25/10 तो काट लो, 50 × 25 = 15 × 10, R1 क्या आ गया 5/2 डेसीमीटर, देखिए R1 हम लोगों ने क्या डेसीमीटर माना था ना, R1 डेसीमीटर, इसलिए R1 आया 5/2 डेसीमीटर। R1 हम लोगों का क्या था, अर्धव्यास, बाहरी अर्धव्यास, हमसे पूछा है बाहरी व्यास, तो इसलिए बाहरी व्यास बराबर क्या होगा, 2 × R1 कितना हम लोगों का 5/2, कर लो मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, साफ सुथरा 5 डेसीमीटर बाहर चलेगा बॉक्स के, 5 डेसीमीटर आंसर आया, बस समझ में आया ही होगा, एकदम सिंपल, कुछ करना नहीं है। अगर मैं सारे जितना भी मैंने सिखाया उसको मैं चौकट, ठीक है, तो जितना मैंने सिखाया उसको मैं अगर सम अप करके बताऊँ अगर आप लोगों को, तो ये है वो, हम लोगों ने क्या किया, लोहे का आयतन दिया हुआ था, हम लोगों ने लोहे का आयतन निकाल दिया, कैसे, बाहरी अर्धव्यास को मान करके,
बाहरी अर्थात हम लोगों ने मान लिया और अपना आयतन को किताब में दिए आयतन को बराबर दिखा के एक इक्वेशन क्रिएट कर लिया और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। और सॉल्व कैसे किया आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। और उसका सॉल्व करते करते R1 निकल गया यानी कि बाहरी अर्धव्यास निकल गया, दोगुना कर दिए व्यास पता चल गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक, नोट कीजिए फटाफट इसको। तो अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आपके बुक का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उसके अर्धव्यास की दोगुनी है। वाह, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको बारीकी से समझिएगा। तो मैं सॉल्व करूँ क्या? सबसे पहले क्या बोला है, एक लंब वृत्ताकार बेलन है, लंब वृत्ताकार बेलन, ठीक, एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उसके अर्धव्यास की दोगुनी है। अर्धव्यास की दोगुनी है, अगर ये एक मेरा लंब वृत्ताकार बेलन है इसका अर्धव्यास कुछ एक होगा, इसका अर्धव्यास जितना भी होगा इस अर्धव्यास का दोगुना इसका ऊंचाई है। जैसे अगर अर्धव्यास 5 होगा तो ये 10 होगा, अर्धव्यास अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 20 होगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट दिया होगा वो यहाँ पे डेसीमीटर में दिया है ऊंचाई, हाँ तो डेसीमीटर में दिया, ठीक है, तो सब डेसीमीटर में होगा। तो समझ लीजिए अर्धव्यास जितना भी होगा उसका दोगुना उसका ऊंचाई होगा, इतना बात समझ में आया? ठीक, और बोला है आगे यदि ऊंचाई 6 गुनी हो तो बेलन का आयतन 539 घन डेसीमीटर अधिक होता है। ओह, यही पर है समझने वाला पॉइंट और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। वो क्या है, हाँ तो वो क्या है, कंफ्यूजन ये है कि ये जो 539 घंटे से अधिक हो जा रहा है यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बच्चे समझ नहीं पाते ये जो 539 घंटे से दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, किसका आयतन दिया हुआ है। एक्चुअली ये आयतन है ही नहीं, मतलब आयतन ही है लेकिन आयतन किसी बेलन का नहीं है, ना ही इस बेलन का है ना ही इसका ऊंचाई, जब 6 गुना करेंगे तो उस बेलन का है, ये दोनों बेलन के आयतन का अंतर है। ये बात पॉइंट है समझने वाला, ये पॉइंट समझने वाला है, समझिए ध्यान से। एक ये बेलन है, देखिए ध्यान से, मैं इसका और देखो बोल रहा हूँ, इसका अर्धव्यास कुछ है, इसका अर्धव्यास का ऊंचाई जब दोगुना होगा, सपोज करो इसका अर्धव्यास आर है तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2R है ना, समझ लो ना। और क्वेश्चन फिर से, ये ओरिजिनल है, 6 गुना करना है, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ये बेलन है अर्धव्यास सेम यही आर, अर्धव्यास सेम यही आर है बट इसका ऊंचाई कितना है इस बार, 6 गुना, 2 गुना तो 2R था, इस बार 6 गुना तो 6R। तो इस बेलन का एक कुछ आयतन होगा, इस बेलन का कुछ एक आयतन होगा, बोला है अगर ऊंचाई को 6 गुना कर देने पर इसका आयतन 539 घन डेसीमीटर अधिक होता है, मतलब इसका जो आयतन है वो 539 घन डेसीमीटर अधिक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, आपको इसका आयतन निकालना है आर के टर्म में, इसका आयतन निकालना है आर के टर्म में, ठीक है, और फिर आयतन दोनों का निकाल के दोनों का अंतर को 539 से बराबर दिखा के इक्वेशन बना के सॉल्व करना है और R का वैल्यू निकालना है, और R का जो वैल्यू आएगा उसका दोगुना कीजिएगा तो आपको बेलन की ऊंचाई भी मिल जाएगी जो हमने पूछा है। अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो अभी पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए मेरे सॉल्व करने के पहले, ठीक, और अगर नहीं समझ में आया है और आप एक बार ट्राई कर चुके हो कि नहीं आ रहा है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, और अगर आपका सॉल्यूशन हो जा रहा है फिर भी एक बार देख लीजिए आप अपना चेक करने के लिए कि मैं जैसा बनाया हूँ वैसा आपने भी बनाया, मेरा जो आंसर आया वैसा आपका भी आंसर आया है या नहीं। ठीक, तो फटाफट इसको देखिए सॉल्यूशन देता हूँ, क्या करेंगे इसको। अच्छा तो पहले तो मानना पड़ेगा, वो तो डायग्राम में मानने से नहीं होगा, यहाँ मानना पड़ेगा, क्या माना, ऊंचाई उसके अर्धव्यास की दोगुनी है ना, तो अर्धव्यास मानो, माना बेलन का अर्धव्यास, अच्छा एक्स मानते तब से आर आर मान रहे हैं, आर है बेलन का अर्धव्यास आर है जिसको हमने मान लिया एक्स, अच्छा सब डेसीमीटर में मानता हूँ ताकि आयतन दिया है घन डेसीमीटर में तो कुछ समस्या ना रहे हम लोगों को।
हम लोग का बेलन का डिस्टेंस एक्स डेसीमीटर मान लिया हम लोगों ने, इसलिए बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बोला है अर्धव्यास का दोगुना। अर्धव्यास अगर एक्स है तो उसका दोगुना कितना होता है, 2x, तो ये हो गया ऊंचाई। अब बेलन का आयतन निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, ऊंचाई और अर्धव्यास दिया हुआ है, निकाल लीजिए ऊंचाई और अर्धव्यास, मैं उल्टा बोल दिया उस वक्त। तो इसलिए बेलन का आयतन फॉर्मूला, सर रटा आ गया है फॉर्मूला, मत बताइए पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ ठीक है, ये रटा आ गया तो अच्छी बात है। पाई कितना है, 22/7 आर स्क्वायर आर एक्स, एक्स का स्क्वायर इंटू एच कितना है, 2x, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, क्या करना है, माइनस करना है ना, ठीक है 22/7 इसको रखने रखते हैं ऐसे ही, और एक्स स्क्वायर और 2x का इंटू हुआ तो कितना हो गया, 2x³। इस फॉर्म में ही रखा हूँ, सॉल्व करने वक्त थोड़ा सा इसका आसान हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बेलन का आयतन निकाला कब, जब ऊंचाई 2 गुना था, बेलन का आयतन फिर से निकालेंगे जब ऊंचाई 6 गुना है। यदि ऊंचाई 6 गुनी होती तो ऊंचाई कितना होता, 6x, अर्धव्यास का 6 गुना 6x, एक्स का 6 गुना 6x, डेसीमीटर लगाओ भूलो मत, अर्धव्यास का ऊंचाई हम लोग का 6 आ गया, तो इसलिए आयतन कितना होता, ऊंचाई 6x और आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच, बस पाई और सब बदल जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आर कितना हम लोगों का, वो तो एक्स ही है, एक्स स्क्वायर एच कितना हम लोगों का, 6x है ना, तो ठीक है ना, इतना ओ कर ले मल्टीप्लाई ना, तो ये कितना आ रहा है, ठीक है यहाँ पे लिख दूंगा, इसी का बेलन है ना इसलिए इसका मैथन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6x और एक्स स्क्वायर का गुणा करो कितना आ गया, 6x³ घन डेसीमीटर, ठीक है ये इसका आयतन आ गया, 6x³ लिखो यहाँ पे, थोड़ा सा गंदा हो गया, ठीक है समझ लो आप लोग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और 6x का इंटू हुआ 6x³ आया घन डेसीमीटर, ये हमारा बेलन का आयतन आया तब जब बेलन की ऊंचाई को हम लोग ने 6 गुना कर दिया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आर मान, यहाँ पे एक्स मान के बनाया तो फिर बवाल हो जाएगा, इसको भी एक्स मान लो, ठीक है ना। हाँ अब क्या आयतनों का अंतर कितना दिया है, 540, तो प्रश्नानुसार लिख करके सॉल्व करो, इधर से करता हूँ जगह कमी हो जा रहा हम लोगों के पास। प्रश्नानुसार क्या बोला है, जब 6 गुना करने पर आयतन में 539 घंटे से अधिक हो जाता है, तो इसमें इस वाले आयतन में 539 अधिक है, इसलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 539 आ जाएगा, 22/7 6x³ से माइनस करेंगे अगर, 22/7 2x³ को, तो हम लोग का आएगा 539, ठीक। देखो मैंने 22/7 को क्यों इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, कॉमन लेके उधर भेजूँगा थोड़ा सिंपल हो जाएगा हम लोगों का, तो 22/7 कॉमन चला गया, यहाँ बच रहा है वो 6x³ माइनस यहाँ क्या बच रहा है, 2x³ इज इक्वल टू 539, अगला लाइन करो 6x³ माइनस क्या माइनस करो तो 4x³ हो गया ना, 4x³ और 22/7 उधर जाकर क्या बन गया, 7/22 तो 539 इंटू 7/22 काटो बच्चा, 2 11 से कटेगा, कटेगा क्या, हाँ 11 44 6 दिन, हाँ कट जा रहा है, 11 2 22 11 से कटेगा कितने बार में, 11 4 44 53 44 गया बचा 9 99 हो गया, 11 9 99 49, ठीक अब तो कटेगा नहीं कुछ भी कर लो, तो बस नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, क्या ही समस्या है। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, 4 इंटू में उधर गया तो डिवाइड में, तो हुआ क्या अल्टीमेटली x³ इज इक्वल टू आया यहाँ 49 इंटू 7, थोड़ा सा कलाकारी कर दूँ क्या,
कर ही देता हूँ। देखो 49 को मैं कुछ देख लिया हूँ इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। 49 को मैं 7×7 लिख दे रहा हूँ और फिर एक 7 यहाँ पे भी है और 2 हम लोगों का ये पहला सेट इधर है और ये 4 उधर गया तो 4 भी इधर डिवाइड में आया। 4 यानी कि 2×2 ठीक है ना। देखो मैं डायरेक्ट कर देता था 4 इधर के 2 मल्टीप्लाई हुआ 4×2 8 हुआ, 8 का मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा हूँ देखो क्यों लिखा हूँ। एक्स क्यूब इक्वल टू ये 7 का क्यूब है ये 2 का क्यूब है तो मैं 7/2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। लॉ ऑफ इंडिसेस में क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा है अगर पावर सेम हो इक्वल टू में हो तो बेस भी सेम होता है। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 7/2 आ गया। एक्स हम लोगों ने क्या माना था अर्धव्यास, हम लोगों से ऊंचाई पूछा है ना ठीक है, ऊंचाई का दोगुना कर दो ये हम लोग का ओरिजिनल है और इसी ऊंचाई का बात कर रहा है तो बेलन की ऊंचाई कितनी है वो बताना है हम लोग को। तो अर्धव्यास का दोगुना करो बेलन की ऊंचाई निकल के आएगी। तो अर्धव्यास हमारा कितना है 7.2 डेसीमीटर, सब डेसीमीटर था ना इसलिए डेसीमीटर में, इसलिए बहुत जगह की कमी आप लोग इसमें थोड़ा लिख लिख के करना। इसके बाद लिखना आता बेलन का अर्धव्यास 7.2 डेसीमीटर एवं ऊंचाई अर्धव्यास का दोगुना यानी कि 2×7/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका 7 डेसीमीटर इसका ऊंचा जाएगा हम लोग का आंसर। ये हमारा आंसर आ गया समझ आया ना। तो वो कितना सिंपली सॉल्व हो गया, बस नोट कीजिए फटाफट देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो बच्चों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन मैं बताऊँ उसके पहले एक बात बता दूँ धैर्य से सुनना। क्वेश्चन एक्चुअली लेंदी है बड़ा जाएगा तो अगर धैर्य से नहीं सुनोगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला है ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं, वैसे इजी होने वाला सम, मुश्किल कुछ नहीं है, वही सब काम करने वाले जो पहले बहुत सारे सम्स में हम लोग करते आ रहे हैं ठीक है। कुछ नया कुछ अलग नहीं करेंगे, बस वही सब काम करेंगे। सुनना ध्यान से क्या दिया भाई, फायर ब्रिगेड का कोई एक दल एक जल पूरी लंबवृत्ताकार हौज के जल से 2 सेंटीमीटर लंबे व्यास के 3 पाइपों से प्रति मिनट 420 मीटर वेग से जल ढालता है और 40 मिनट में आग बुझता है। तो यहाँ छोटी कहानी है, सपोज करो कहीं एक जगह आग लगा हुआ है और फायर ब्रिगेड वाले लोग अपना टैंक जो है हौज जिसको हिंदी में बोलते हैं हौज, वो हौज पूरा जल से भर करके पूरा लबालब जल से पूरा भरा हुआ है और उस हौज को ले करके चले गए आग बुझाने के लिए ठीक। आग बुझाने ले के गए हुए हैं और उस हौज से 3 पाइप कनेक्टेड है। हौज बेसिकली हम लोगों का लंब वृत्ताकार बेलन क्या करता है, जो हौज है जिससे जो फायर ब्रिगेड वाले लेके गए हैं वो हौज हमारा बेलन क्या करता है और उसमें से जो पाइप लगा के 3 पाइप उसमें लगाया गया है उस पाइप का व्यास दिया हुआ हम लोगों को, जो पाइप उसमें कनेक्टेड है जिससे उसमें से जल निकल रहा है आग बुझाने के लिए वो 2 सेंटीमीटर व्यास वाला पाइप है ठीक है। और तीनों पाइप से जल निकल रहा है, जल निकल रहा है किस वेग से 420 मीटर प्रति यहाँ पे भाई प्रति मिनट 420 मीटर के वेग से ठीक है, उसमें से जल ढाला जा रहा है और इस तरीके से करने से हमारा आग बुझता भी है। कितने मिनट में, 40 मिनट में आग बुझता है, ये पॉइंट का बाद 40 मिनट में आग बुझ जाता है हाँ। यदि हौज का व्यास, जो हौज लेके गया है फायर ब्रिगेड वाला लोग उस हौज का व्यास भी दे दिया हुआ है और लंबाई भी दे दिया हुआ है, लंबाई ऊंचाई का काम कर देगा बाबू ध्यान देना। देखो मैं हौज बना हौज इसका जो लेके गया है वो टैंक वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है ठीक। ये हम लोगों का लंब वृत्ताकार हौज है जिसकी जिसका व्यास कितना है, ये व्यास इस टाइप ड्रॉ करते हैं इस टाइप, इस साइड हम लोग पाइप ड्रॉ कर देंगे। व्यास कितना है 2.8 मीटर ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर ठीक। और हो तो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन यहाँ तक दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है सवाल क्या पूछ रहा है, हो तो आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ, आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ ये पहला क्वेश्चन। हौज में और कितना जल बचा है, हौज में और कितना जल बचा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। देखिए जनरली सोचिए समझिएगा समझ में भी आएगा आपको, सोचिएगा तो समझ में आएगा। इसमें कुल जितना भी जल होगा उसमें से
कुछ जल निकल रहा है, यूज हो रहा है आग को बुझाने के लिए, और कुछ जल बचा रह जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होगा इस पूरे हौज में जल है कि ना। आखिर इस पूरे हौज में कितना जल है, इसमें जल की मात्रा कितनी है, ठीक है। अब इस जल से क्या हो रहा है भाई, पाइप से पानी निकल रहा है, निकालते हैं पाइप से, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए। मैं इसमें से तीन पाइप कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। ये एक पाइप हो जाएगा, ये हम लोग का दूसरा पाइप हो गया, और ये हम लोग का तीसरा पाइप, ठीक है। तीन पाइप से इसमें से जल निकल रहा है, ठीक है। जो पाइप निकल रहा है उस पाइप का व्यास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। पाइप का व्यास 1 सेंटीमीटर है। इसमें से क्या हो रहा है भाई, जल निकल रहा है और निकल के आग बुझ रहा है। इसमें से क्या हो रहा है, जल निकल रहा है और निकल के आग बुझ रहा है। इसमें से क्या हो रहा है, जल निकल रहा है और आग बुझ रहा है। बातें समझ में आ रही है ना। और किस वेग से निकल रहा है, वेग यानी कि स्पीड, स्पीड कितना है, 420 आई थिंक सो, यस 420 मीटर प्रति मिनट, इस स्पीड से वो पानी निकल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने कर रखा है, करते क्या है, एक मिनट में ये पाइप कितना जल निकाल रहा है, तीनों पाइप एक मिनट में कितना जल निकालेगा 420 मीटर के हिसाब से, ये हम लोग पता करेंगे। एक पाइप कितना निकालेगा उसका पता कर सकते हैं, उसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों पाइप का जो भी डायमेंशन से मैं, तो ये जितना एक मिनट निकाल पाएगा ये भी उतना ही निकालेगा, ये भी उतना ही निकालेगा। तो एक मिनट में तीनों पाइप कितना निकाल रहा है जल, वो पता चल जाएगा हमको। और एक बात पे नोटिस कीजिएगा, पाइप हम लोगों का, ये आग हम लोगों का कितना मिनट बुझ रहा है, 40 मिनट में। तो तीनों पाइप 40 मिनट में जितना पानी निकाल सकता है उतना पानी से ही आग बुझ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा हम लोगों को, आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ, आग बुझाने में उतना ही जल खर्च होगा जितना ये तीनों पाइप 40 मिनट में जल निकालेगा। बात समझ में आया। उसके बाद पूछ रहा है कितना बचा हुआ है, हम लोगों ने पहले ही इसमें पता करके रखा होगा कि इसमें है कितना जल। इसमें पूरा जल जितना भी होगा, जितना खर्च हो गया उसको माइनस कर दो, कितना बचा है ये भी पता चल जाएगा। बातें समझ में आ गई, तो वीडियो पॉज कीजिए, सम सॉल्व कीजिए, ना हो सॉल्व फिर देखिए वीडियो, ठीक। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, पहले खुद से ट्राई कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए तो ही आप सीखिएगा। देखिए चलिए मैं करूँ सॉल्व, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो सब ले लेते हैं। अच्छा जल का खेल है ना, तो जल को पहले लीटर में सब बदल दो तो सुविधा रहेगा हम लोगों का। लीटर में बदलने के लिए हमको चाहिए सब कुछ घन डेसीमीटर में, क्योंकि एक घन डेसीमीटर बराबर एक लीटर होता है, ये तो हम लोगों को पता है ना। तो चलिए लिखता है क्या क्या है, जल से 2 सेंटीमीटर लंबे व्यास के 3 पाइपों से है। तो मैं कहाँ शुरू करूँ, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तीनों पाइपों का व्यास से नहीं, पहले हौज का जल का आयतन निकाल लेते हैं, फिर सही रहेगा, पहले वही शुरुआत होगा। पहले हौज में कितना आयतन है वो निकालते हैं, मतलब हौज में कितना जल है। तो हौज की लंबाई जो कि हमारा एच कहलाएगा कितना है, 6 मीटर, उस मीटर को डेसीमीटर बदल दो, 6 × 10। अभी अभी हम लोग पहले सवाल में सीखे मीटर को डेसीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 60 डेसीमीटर। क्यों बदले डेसीमीटर में, समझ में आ गया होगा, आयतन हमको चाहिए लीटर में इसलिए। अच्छा हौज का क्या दिया हुआ, व्यास कितना है भाई, 2.8 मीटर। तो व्यास से काम नहीं, अपना काम तो अर्धव्यास से होता है, तो अर्धव्यास निकालो। हौज का अर्धव्यास कितना होगा, जो कि हमारा आर होगा, 2.8 का आधा 1.4 हो जाएगा, बट सॉल्व करके दिखा दो, 2 से डिवाइड होगा 1.4 आ जाएगा, 1.4 मीटर मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 डेसीमीटर आएगा। आप लोग ये स्टेप कर लेना, वहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देना, 14 डेसीमीटर आ गया अर्धव्यास हम लोगों का। अब हमको ऊंचाई पता है, अर्धव्यास पता है, कितना जल है उसमें निकल जाएगा, इसलिए हौज में
जल का आयतन, हौज में जल का आयतन। हाँ ठीक है, हौज में जल का आयतन। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पुट कीजिए पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर आर रिवाइज है कितना आया हम लोग का 14 स्क्वायर है, तो 14 दो बार इंटू में लिख दो, इंटू एच ऊंचाई 60 है ना, ऊंचाई लंबाई होता है, समझ आता है हम लोग को बात। 7 7 7 14 सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, करो 22 2 44 और 22 6 132 132 2 264 264 इंटू 14 रफ करो 264 इंटू 14 सही है ना, 122 6 132 132 2 264 264 इंटू 14 कितना होगा, 14 4 56 6 कैरी 5, 14 6 84 5 89 9 कैरी 8, 14 2 28 28 8 36 28 8 36 ठीक है, इतना आएगा ना, बस आगे हम लोगों का मैं करेक्ट हूँ बिल्कुल, 3 4 कितना है भाई 3 6 9 6 3 6 9 6 ये एक जीरो है, एक जीरो को मैंने इनको नहीं कहता यहाँ भी लगा दिया पे, यानी कि इतना घन डेसीमीटर, और यानी कि 36960 लीटर, क्यों बता देना, बता देना कि एक घन डेसीमीटर बराबर होता है एक लीटर के, इसलिए जितना घन डेसीमीटर बराबर उतना ही लीटर, ये दिखा देना वहाँ पे। हम लोगों ने पता कर लिया हौज में कितना जल है, ठीक हौज में जल है इतना, अब पता ये करना है कि तीनों पाइप से जल कितना निकल रहा है, बस ये पता जैसे ही कर लेंगे हमारा काम बन जाएगा। तीनों पाइप से कैसे पता करेंगे, सिंपल है, एक मिनट में पता करेंगे एक पाइप से कितना निकलता है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई, तो तीनों पाइप एक मिनट में कितना निकलता है ये पता चलेगा, और तीनों पाइप कितना मिनट तक पानी निकाल रहा है, जल निकाल रहा है 40 मिनट तक, तो बस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा आंसर। तो अब हम लोग पाइप की तरफ चलते हैं, पाइप जल कितना निकालता है, तो पहले पाइप का डायमेंशन लिखते हैं, चूँकि तीनों पाइप का व्यास 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में इसको भी डेसीमीटर बदल देंगे है ना, तो तीनों पाइप का व्यास 2 सेंटीमीटर, इसलिए तीनों पाइप का अर्धव्यास, तीनों पाइप का अर्धव्यास कितना आ जाएगा, आधा करो 2 का आधा 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को डेसीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग देना होगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर एक स्टेप नीचे आ रहा है, तो 10 से भाग 1/10 डेसीमीटर, ठीक ये हम लोग का आ गया तीनों पाइप का अर्धव्यास। हमको निकालना है ये, एक ही में निकाल दो क्या, तीनों पाइप के द्वारा एक मिनट निकाला गया जब 3 से मल्टीप्लाई कर, समझ में आ रहा है ना, देखो एक में जितना होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ ठीक ना, इसलिए तीनों पाइप द्वारा एक मिनट में निकाला गया जल 3 × π² ठीक है, तो 3 × π, पाई का वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू कितना आया 20, ब्रैकेट हटा दो क्या ब्रैकेट, 22/7 × r², आर का वैल्यू कितना है हम लोग का अर्धव्यास, तीनों पाइपों का अर्धव्यास कितना है 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1/10 × 1/10 स्क्वायर, इसलिए 2/2 में h ऊंचाई, पाइप की ऊंचाई यानी कि इस पाइप की लंबाई होगी कितनी है, पाइप की लंबाई कितना लेंगे 420 मीटर में है, इसको बदलना पड़ेगा हम लोगों को डेसीमीटर में, किसमें डेसीमीटर में, क्यों, क्योंकि हम लोग सब कुछ डेसीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो 420 मीटर में, मीटर को डेसीमीटर में बदलने का तरीका 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4200 डेसीमीटर, बात समझ आई ना, मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करो, 420 में 10 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 4200 डेसीमीटर, ठीक बस अब सॉल्व कर लो, आपका 7 × 7 7 6 = 42 फिर
2-0 है, 2-0 देखे, 1-2-0, 2-0 कर दिया, 6 आया, कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा अब, 22 × 6 = 132। ओके 22 × 6 = 132, एक तो 132 तियाँ, 132 तियाँ 132 × 3, हाँ 396, कितना आया 396, सब डेसीमीटर में है इसलिए क्या आया, घन डेसीमीटर, और घन डेसीमीटर यानी कि कितना लीटर, तो 396 लीटर। क्यों लीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर पाए ज़रूर आप लोग दिखा दीजिएगा, क्योंकि एक घन डेसीमीटर बराबर होता है एक लीटर के, ठीक है, इसलिए वो हम दिखा पा रहे हैं। ठीक, बस काम ख़त्म, एक मिनट में तीनों पाइप इतना निकालता है 396 लीटर जल, ठीक है ना, एक मिनट में पाइप तीनों पाइप 396 लीटर निकालता है, तो 40 मिनट कितना निकाल देगा, जितना निकालेगा उतना में आग हमारा बुझ जाएगा, निकालिए, इसलिए 40 मिनट में तीनों पाइप द्वारा निकाला गया जल, इसी बात को लिख देता, ठीक है कोई नहीं, लिख देता हूँ दोबारा से, तीनों पाइप द्वारा निकाला गया जल कितना होगा, 396 × 40, कर लो गुना कितना आएगा, 4 × 6 = 24 × 4 हासिल 2, 4 × 9 = 36 × 8 हासिल 3, 4 × 12 = 15, 1 0, इतना लीटर वो जल निकाल रहा है 40 मिनट में, तीनों पाइप कितना निकाल रहा है जल, इतना, और अगर तीनों 40 मिनट में तीनों पाइप इतना जल ढाल देता है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 40 मिनट में पूरा आग बुझ जाता है, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि 15,840 लीटर जल से ही वो आग बुझ रहा है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया, आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ, तो 15,840 लीटर, 15,840 लीटर जल खर्च हुआ, तो अतः जल बुझाने में, आग बुझाने में जल का खर्च, हाँ ठीक है, अतः आग बुझाने में, बुझाने में खर्च जल, खर्च जल कितना हो गया 15,840 लीटर। बस इसके बाद आप समझ गए, इतना अगर खर्च हुआ है, कुल जल कितना था 36,960 लीटर है ना, तो उतना जल था, इतना खर्च हो गया, बचा कितना, कर लो माइनस, एवं हौज में बचा जल, हौज में बचा जल कितना है 36,960 - 15,840, करो माइनस कितना रहा है, जितना आएगा उतना लीटर बचेगा, करके देखो कितना रहा है, 0 से 0 गया 0, 6 से 4 गया 2, 9 से 8 गया 1, 6 से 5 गया 1, 3 से 1 गया 2, इतना लीटर बचा है, ये हमारा आंसर आ गया, बातें समझ आई है ना, कितना जल खर्च हुआ कितना बचा, दिख रहा है ना आप लोगों को, पूरा क्लियर हो ना, तो बस यही था, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ वाला पार्ट जो समझना आ सके, तीनों पाइप 40 मिनट में कितना जल निकाल देगा, मैंने क्या किया, ये वाला ट्रिकी पॉइंट है हम लोग का, एक मिनट में तीनों पाइप कितना निकालता है, एक पाइप जितना निकालेगा 3 से गुना कर दो, तीनों पाइप का निकल जाएगा, ठीक है, और तीनों पाइप कहाँ कितना निकाल रहा है वो हमने निकाला कि एक मिनट में तीनों पाइप कितना लीटर जल निकालता है, और एक मिनट में तीनों पाइप जितना निकालता है 40 मिनट में हम लोगों ने निकाल दिया, सिंपल यूनिटरी मेथड को से ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद जाके क्वेश्चन में बोल रखा था 40 मिनट आग बुझ जाता है, इसलिए हम लोगों को उससे ये भी पता चल गया कि इतना में ही पूरा जल पूरा आग बुझ जाता है, उम्मीद है बातें समझ में आ गई, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चे लोग, तो आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है देखने में, असलियत में नहीं, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए कितना आराम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे,
पढ़ते जाइए क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले चार लंबवितर का ढलाई वाले खंभों के चारों तरफ 3.5 सेंटीमीटर मोटा बालू सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है। देखो बच्चा ध्यान से समझ लो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है। अभी तक आप लोगों को हम लोग पदार्थ का आयतन निकाल लेते ना, तो पदार्थ का आयतन कैसे निकाल लेते, अगर मान लीजिए हम लोगों का ये चार बेलन है, बेलन एक्चुअली ये है, और इसके ऊपर जो ये छोटा सा ये पतला लेयर दिखाई देना, ये हम लोगों का खंभा है, सोचिए खंभा ये ना, और खंभा के चारों तरफ बालू सीमेंट का ये किया गया, क्या बोलते उसको, अरे बालू सीमेंट थोपा जाता है ना, बालू सीमेंट का प्लस्तरा क्या बोलते हैं, ये क्या बोल रहा है, ढलाई, ढलाई क्या बोलते हैं, ढलाई। तो हमारा खंभा है, खंभा के चारों ओर क्या किया गया है, 3.5 सेंटीमीटर मोटा ढलाई किया गया है, ठीक ओके, सीमेंट वालों का मसाला से ये ढलाई किया गया इसके चारों तरफ। अगर हमको मसाला का आयतन निकालना होगा कि कितना इसमें मसाला लगा है एक खंभा में, ऐसा चार खंभा है यहाँ पे, वैसे मैं एक खंभा का पहले बात कर लूँ, तो ये इसमें कितना मसाला लगा है ये कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा देखिएगा अगर और थोड़ा सोचिएगा, तो ये खोखला बेलन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, खोखला बेलन में जिस तरह से पदार्थ का आयतन कैसे निकाल देते, पूरा आयतन निकाल देते, फिर अंदर के छोटे से बेलन का आयतन निकाल देते, पूरे में से इस छोटे वाले आयतन, छोटे वाले बेलन जो अंदर में जो बेलन है खोखला बेलन उसको माइनस कर देते थे, तो बाहर का पदार्थ का आयतन आता। इस बार पदार्थ की जगह पे हमारा क्या है, ये मसाला, तो मसाला के आयतन बिल्कुल उसी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये लोग अगर जो लोग रट के बैठे हैं कि पदार्थ का आयतन यही होगा और वो ये पदार्थ का आयतन यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, तो उन लोगों से कभी भी बनने वाला नहीं है, समझोगे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा बात। मसाला जहाँ पे है उसी जगह पे पदार्थ हुआ करता था खोखले बेलन में, तो वही फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इस तरह इसमें मसाले का आयतन भी निकाल सकते हैं, बातें समझ आई ना। तो ठीक, ऐसा हम लोग के पास कितना है बेलन, चार बेलन है, चारों बेलन, बेलन मतलब कि चार पिलर है यहाँ पे, ठीक है, मैं चारों पिलर बना दूँ, ये गंदा हो गया, मिटाओ, चलो देखिए मैंने चार पिलर बना दिया। मैं सॉल्व एक को लेकर करूँगा, चार से मल्टीप्लाई कर दूँगा, चारों का निकलता आएगा, ठीक है ना। पूछा क्या क्या है वो अब समझ लेते हैं, जहाँ तक बोला था वहाँ तक हम लोग समझिए, ठीक है। ढलाई करना है हम लोगों को 17.5 सेंटीमीटर लंबे व्यास वाले चार लंबवितर का ढलाई वाले खंभों के चारों ओर 3.5 सेंटीमीटर मोटा बालू सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है, बालू सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक जगह यहाँ बनाता हूँ, ये हम लोगों का पिलर है, खंभा है जो कितना है 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी कि इसका व्यास दिया हम लोगों को कितना 17.5 सेंटीमीटर, ठीक। और इसके चारों ओर यानी कि ये वाला, ये इसका जो चौड़ाई है ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो करना है और वो किया जाता है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला क्या है, प्रति खंभा यदि 3 मीटर लंबा हो, तो प्रत्येक खंभे की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 मीटर, प्रत्येक खंभे की लंबाई कितनी दी है 3 मीटर दी है। तो देखो हम हमारे पास अब सब कुछ है, हम लोगों को चाहिए क्या चाहिए, हम लोगों को अगर इसके पदार्थ का आयतन निकालना होगा तो हम लोगों को चाहिए R1 और R2, बाहरी अर्धव्यास और भीतरी अर्धव्यास। भीतर का अर्धव्यास से पता है हम लोगों को, व्यास पता है, उसका आधा कर देंगे अर्धव्यास मिल जाएगा, और उस जो भी इसका अर्धव्यास आएगा उसमें 3.5 प्लस कर देंगे तो बाहरी अर्धव्यास भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका मोटाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। अच्छा सब यहाँ पे आगे मैं पढ़ दूँ आपको, प्लास्टर में पूछा है क्वेश्चन में कि प्रति खंभा अगर 3 मीटर होगा लंबा तो उसमें कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, वो सीमेंट बालू का मसाला पूछा कितना घन डेसीमीटर, हमको आंसर चाहिए घन डेसीमीटर में। आप लोग समझ गए,
सब कुछ देसी मीटर में चाहिए करना होगा तो मैं करते जा रहा हूँ। यहाँ शुरू करते हैं। खंभे का व्यास कितना है? 17.5 सेंटीमीटर। इसलिए खंभे का अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 17.5 by 2। डेसिमल हटा दो, नीचे जीरो बढ़ा दो, 20 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर को डेसिमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड, तो 175 by 20 को अगर 10 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 200। इतना डेसिमीटर साफ सुथरा शब्दों में लिख दो क्या? 175 by 200 डेसीमीटर हम लोगों का क्या आया? बाहरी खंभे का अर्धव्यास, खंभा का अर्धव्यास यानी कि अंदर वाला यानी कि छोटा सा आर, मतलब कि अंदर वाला आर टू होता था, तो मैं इसको यहाँ दे देता हूँ, ये आर टू है हम लोगों का। दूसरा चौक से तो दिखाई देगा कितना है, ये आर टू है। बात समझ आ गया? ओके, आर टू पता चल गया। मतलब देखो, आर टू मतलब अंदर का अर्धव्यास होता था, और ये इसका मसाला कितना लग रहा है? 3.5 से मसाला लग रहा है, तो इसका चौड़ाई जो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर मैं अंदर के अर्धव्यास में ये 3.5 से और जोड़ दूँ तो बाहर तक का अर्धव्यास नहीं निकल जाएगा। देखो समझ में आ जाएगा बात फटाफट। तो चूँकि मसाले की मोटाई कितनी है बच्चा? 3.5 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर को डेसीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड, 3.5 है यानी कि 35/10 है, और 10 से डिवाइड दे दिए, सेंटीमीटर बदल गया डेसीमीटर में, तो 35/100 हो गया है ना। तो ठीक है, अच्छा यहाँ डेसीमीटर लिख दो। ये हम लोगों का मोटाई है यानी कि ये वाला पार्ट। तो मोटाई के सहारे हम लोग बाहरी अर्धव्यास यानी कि हम लोग निकाल लेंगे क्या? R1। इसलिए खंभे का बाहरी अर्धव्यास हम लोग बाहरी अर्धव्यास को R1 बोलते हैं, याद होगा आप लोग को। कैसे निकालूंगा? भीतरी अर्धव्यास में मोटाई को प्लस करके 175 by 200 प्लस 35 by 100। ईजी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा? 70 200 70 245 70 70 140, हाँ ठीक है, हाँ ठीक 245 by 200, ठीक है। अब प्लस कर लो, देखो उम्मीदें कर लोगे आप लोग, देख लिया। टू इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 200 सेम हो गया, ठीक है। और जब 200 और 200 सेम हो गए तो ऊपर को इजीली प्लस कर सकता हूँ, तो ये हम लोग का 70 है। 70 में 175 को प्लस करो तो कितना आएगा? 245 ही आएगा, ठीक है। इतना सब कितना हो गया वाला डेसीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोगों को R1 मिल गया, R2 मिल गया, और खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। अच्छा, ऊंचाई भी 3 मीटर में है, तो उसको भी डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि खंभे की ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होता था, तो ये 30 डेसीमीटर हो जाएगा, है ना। बस तो इसलिए मैं चारों खंभे का एक साथ निकालूंगा, एक का निकालूंगा जितना उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो चारों खंभे में लगे हुए मसाले का आयतन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि कितना घन डेसीमीटर मसाला लगा है इस चारों खंभा में, तो इसीलिए 4 खंभों में लगे मसाला लगा। वाह, मसाला लग गया।
क्या चारों खंभे का निकाला है तो चार से तो गुना हो जाएगा जो भी एक का आयतन आएगा। अब एक का आयतन कैसे निकालते थे याद है ना, पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना। ठीक, पुट करो सॉल्व करो कितना आ रहा है, 4 इंटू सब तो वैसे ठीक ही है, फिर भी पुट करो 22/7। आर वन कितना है हम लोगों का, 245/200, 245/200 माइनस आर टू, अच्छा इसका स्क्वायर है, ओ माय गॉड इतना बड़ा का स्क्वायर। ठीक है कोई नहीं, देखता है कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। ठीक है 245/200 का स्क्वायर माइनस आर टू कितना है हम लोगों का, 175/200 का स्क्वायर। ठीक है इंटू एच, एच ऊंचाई है, ऊंचाई हम लोगों का 30 डेसीमीटर, सब डेसीमीटर कन्वर्ट कर चुका हूँ। ठीक है तो अब क्या है, करो मल्टीप्लाई, कट नहीं रहा कुछ भी। ठीक, इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर मेरे को निकालने का मन नहीं है, उम्मीद है आप लोग को भी मन नहीं होगा। तो क्या करो, कुछ नहीं बू, सम तो सॉल्व करना होगा, मन नहीं होगा तो फिर नहीं करने से तो चलेगा नहीं। सॉल्व करने के लिए क्या करो, कुछ नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोगों का सम। ठीक है क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान करो, 4 इंटू सब इंटू में ही ना है, ब्रैकेट हटाओ क्या ब्रैकेट देना, तो 4 इंटू 22/7। उम्मीद है 4 से क्यों इंटू करें समझ आया, मैं चारों खंभे का एक साथ निकाल रहा हूँ इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। आप चाहो तो एक का निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, बात है कि ये लेंदी होगा बिना मतलब का, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है अच्छा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला। तो ए हम लोग का क्या है, 245/200 प्लस 175/200 ये हम लोग का बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 245/200 माइनस 175/200 इंटू एच हम लोग का है 30। ठीक, अभी तक कुछ कटने लायक नहीं है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो शायद कटे, 4 इंटू 22/7 इंटू ब्रैकेट रहा तो प्लस करो डायरेक्ट में है ना, तो कितना हो जाएगा एलसीएम तो 200 हो जाएगा, ऊपर प्लस करो तो कितना आएगा, 5 5 10 का 0 कैडी 1 7 चले 11 1 12 का 2 हासिल 2 2 1 3 1 2 1 3 और 2 5। ठीक है ना, 5 5 10 0 हासिल 1 7 चले 11 1 12 का 2 हासिल 1 2 1 4 420। ठीक है ना, ओके इंटू ये माइनस करो कितना आएगा, 5 से 5 गया 0 14 से 7 गया 7 1 1 कैंसिल हो गया 70/200। ठीक है ना इंटू 30 कुछ कट रहा है अब, हाँ 7 से 7 10 से 70 कट गया, ये 0 0 पहले काटो यार, ये 0 कट गया, ये 0 ये 0 कट गया, ये 0 ये 0 कट गया, और कुछ तो कट रहा है, हाँ 2 1 2 2 से 11 कट गया, 4 1 4 4 5 तो कट जाएगा, 5 से फिर नहीं कटेगा, 11 42। ठीक ट्रू से काटो, 2 2 4 2 10 2 10 20 अब मत काटो, 2 11 42 3 हाँ बिल्कुल कोई भी 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है, रहने दो अब मत काटो, कर लो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 2 11 2 22 22 22 3 66 66 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 66 इंटू 42 चेक कर लो, मैं कुछ छोड़ने ना रहा हूँ, 2 11 42 ये कट गया 3। ठीक है ना, 11 2 22 66 को 42 से गुना करो तो कितना आता है, हाँ ठीक है करो, 2 6 12 का 2 हासिल 1 2 6 12 1 13 4 4 6 24 4 हासिल 2 4 6 24 2 26 4 6 24 4 26 ठीक है 2 7 7 2 इतना आया, 2 7 7 2/10 एक 0 है एक डिजिट के पहले डेसिमल फूट जाएगा, तो 2 7 7.2 घन डेसीमीटर हम लोगों का मसाला लगेगा, बात समझ में आ गया होगा। ठीक ना, देखो अच्छा आपको ये भी समझ आ गया मैंने इसको पूरा क्यों नहीं काटा, ठीक है ना, वरना डिवाइड देना पड़ता 5 से अलग,
ठीक, हम लोग का आ गया 277.2 घन डेसीमीटर, चारों खंभों को बनाने में मसाला लगेगा। और इसी के साथ पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया हम लोग का, ठीक। और राइट, सब ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में पूछा है हम लोग से, दो नंबर, प्लास्टर में मसाला तैयार करने में यदि 4:1 अनुपात में बालू व सीमेंट का अनुपात 4:1 अनुपात में बालू व सीमेंट मिलाना पड़ता है तो कितने घन डेसीमीटर सीमेंट की आवश्यकता होगी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए मुझे जगह चाहिए और मैं कुछ कुछ चीज़ मिटा रहा हूँ या यहाँ पर बना दूँगा। हाँ, इतना जगह में हो जाएगा। देखो, वन का सोल्यूशन मिल गया, दूसरे नंबर का बात का जवाब दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। बोला है हमारे पास कुल मसाला कितना है, 277.2 277.2 घन डेसीमीटर में सीमेंट का आया था ना, सीमेंट का मात्रा। अच्छा, हम लोग अनुपात से कैसे निकालते हैं, उम्मीद है पता होगा आप लोगों को, दिखा देता हूँ फिर भी। तो पहले अनुपात लिखिए, बालू व सीमेंट का, बालू व सीमेंट का अनुपात 4:1, ठीक है ना, जिसमें बालू का 4 है, सीमेंट का 1 भाग है ना। तो अनुपात में जब भी बांटना होता है हम लोगों को अनुपातिक योग निकालना होता है, ठीक है ना। आप लोग निकाल लीजिएगा अनुपातिक योग, वो निकाल के दे देता हूँ थोड़ा सा स्पीड में। अनुपातिक योग कितना हो गया, 4+1 दैट इज़ 5, है ना। तो इसमें 277.2 घन डेसीमीटर में हमसे पूछा है सीमेंट कितना लगेगा, इतना में सीमेंट कितना चाहिए। तो इतना में हम लोग को सीमेंट कैसे निकलेगा, सीमेंट का निकालो, में सीमेंट, सीमेंट का आयतन, हाँ आप लोग लिखिएगा 277.2 का 1/5 भाग। कैसे 1/5 भाग, क्यों, एक हम लोग का है सीमेंट का अनुपातिक भाग, बटा में 5 हम लोग का अनुपातिक योग। अब सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो और तो कुछ होने वाला नहीं है, तो बस, और कटेगा भी नहीं, उफ ठीक, करो मल्टीप्लाई, 5 से काटो, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, हाँ 5×5=22, 2 × 7=27, 5×5=25, 2 × 2=22, 5×4=20, 2 बचा, डेसिमल देके ले लिए 0, 5×4=20, इतना आया, ठीक है। तो ये आया क्या, 5.4×10, 1 0 के लिए 1 अंक पहले और दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55.44 घन डेसीमीटर हम लोगों का सीमेंट लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना स्पीड में क्यों बता रहा हूँ, मोबाइल का मेरा चार्ज ख़त्म होने वाला है इसीलिए, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, एक सम आपका बच गया है, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि ईजी सम है, वो आप लोगों का काम है, आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मेरा सॉल्व हो गया, क्योंकि कंटिन्यूसली 1 से 17 तक का सम हम लोगों ने सॉल्व किया है और 1 by 1 देखा है सम को कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर आप लोगों से वो भी सॉल्व, ये सम अगर आप लोगों ने सीखा है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो 18 नंबर सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक। और नहीं बनता है तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर, जिसमें मैं वो क्वेश्चन और हो सके तो कुछ MCQs वगैरह भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।